मुंबई के बांद्रा में बड़ी आग लग गई जिसे बुझाने के लिए 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। आग लेवल 2 की बताई जा रही है और इस पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, कैसे ये आग लगी और इस वक्त स्थिति क्या है? देखिए, आग लगने का अभी तक कारण का पता नहीं चल पाया क्योंकि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अभी वहां स्पॉट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि स्लम का मामला है और तंग गलियों के चलते वहां तक फायर इंजन नहीं पहुंच पा रहे हैं जिनको पहुंचाने की कोशिश हो रही है। जेसीबी मशीन से अगल बगल के जो रास्ते हैं उनको क्लियर कराने की कोशिश हो रही है ताकि उन झोपड़ों को तोड़ करके जेसीबी मशीन के जरिए फायर इंजन को पहुंचाया जाए स्पॉट तक ताकि आग पर पहले कंट्रोल पाया जाए। फिलहाल अभी की जो अपडेट है उसमें 10 से 12 फायर इंजन वहाँ आसपास पहुँच गए हैं और सब इस पर बड़े पैमाने पर एक मुहिम चलाई जा रही है ताकि फायर इंजन को स्पॉट तक पहुंचाया जाए। आग बड़ी है फिलहाल बांद्रा में, पिछले 1-1.5 महीने के भीतर ये दूसरी बड़ी आग है जिसके कारण इलाके के लोग भयभीत हैं। फिलहाल लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं अभिषेक, और लगातार जो है आप बता रहे हैं कि आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। दिल्ली में नई सड़क पर किताबों की दुकानों में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है लेकिन अभी भी वहां काम जारी है। दीपक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, कैसे ये आग लगी? देखिए, सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास दमकल विभाग को सूचना मिली थी कि नई सड़क की एक दुकान में जो है धुआं उठता हुआ दिख रहा है, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ियां पहुंचती तो एक के बाद एक लगभग चारों दुकानों को आग ने चपेट में ले लिया और जिसके बाद आसपास का इलाका खाली कराया गया है। हालांकि दमकल का कहना है कि आग पर कंट्रोल है लेकिन अभी भी आग बुझाने का काम जो है वो जारी है, लेकिन कितने का नुकसान है लाखों की संख्या में है क्योंकि सदर बाजार और नई सड़क का जो इलाका होता है वो काफी पॉश है और यही वजह है कि वहां पर अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लगभग पुलिस का कहना है कि अभी आग किस कारण से लगी है इसके बारे में दमकल विभाग बखूबी बता सकता है, लेकिन दमकल फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। दीपक, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।